घर पर आकर महिला के साथ छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का किया प्रयास, कार्रवाई न होने पर एसपी से लगाई गुहार। जिले के बामुलकला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसपी से छेड़छाड़ सहित बलात्कार करने के प्रयास की शिकायत की है। बामुलकला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि ग्राम कोटा ग्राम पंचायत ममरूनी तहसील खनिधाना का रहने वाला पुष्पेंद्र लोधी पुत्र भगवानदास लोधी घर पर आकर छेड़छाड़ कर शारीरिक संबंध बनाने का मेरे घर पर प्रयास कर चुका है। इसके वीडियो बना ली जिससे वह ब्लैकमेलिंग कर रहा है और अवैध रूप से रुपयों की मांग कर रहा है। महिला ने बताया कि 17 अगस्त को जब मैं शिकायत करने बामुलकला थाने जा रही थी, तभी रास्ते में बुरी नियत से पकड़कर झूमा झटकी कर दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि थाने में सुनवाई नहीं हुई और मुझे पकड़कर दारू ठेले में रख गाड़ी में बिठा कर दाना मंडी पुलिया पर ले गए, जिसको इंद्रपाल और वीर सिंह जाटव निवासी ग्राम भरसुला तहसील खनिया थाना ने देखा है और मेरी वीडियो बना ली। जबकि मेरा दारू का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ना मेरा दारू से संबंधित कोई केस है। कार्रवाई ना करने के लिए ये षड्यंत्र मेरे साथ रचा है। महिला ने एसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। क्या समस्या लेके आया एसपी साहब के पास? एसपी के साहब, ऐसा है कि मैं एक लोधी समाज का मुझे परेशान कर रहा है, जबरदस्ती का रस्ता बनाने चाहता है। मैं सब्जी का काम करती हूं। कौन है ये? वो लोधी समाज का है। कहाँ का है? कोटा का। क्या नाम है उसका? पुष्पेंद्र लोधी। तो संबंध बनाने से बहुत दिन की कोशिश कर रहा है, तब मेरे से जबरदस्ती का दुकान पे नंबर मतलब ले दे के झूठ माट का कि मैं जे करूँगा सब्जी उधार दे देना, जे देना अभी दे देना, अब ऐसी बोल के। और मेरे को मतलब एक बार ही उसने जबरदस्ती का मुझे ऐसा कोई घर में बना लिया, तो बस उसी का धमकी दे रहा। वीडियो बना चुका, उससे कह रहा कि मैं ऐसा कर दूँगा तेरा, वैसा कर दूँगा। वीडियो के मतलब ब्लैकमेल कर कर के मुझे इतना बेकार बना दी। मेरा कोई नहीं है और ना मेरा। थाने में गए थे आप? थाने गए थे। कौन सा थाना लगता है? पामोर। थाने में क्या बोला? पामोर में 17 तारीख से गया मैं, कल की तारीख हो गई, कल तक गया। 17 तारीख को मुझे मारपीट किया है रास्ते में, बोले जा तू, मतलब उल्टी सीधी गाली बकने लगे। जबरदस्ती की मैं चली गई थाने, तो 4 दिन हो गए बैठे बैठे। और थाने वाले उसको भी बुला लेते हैं और मैं भी जाती हूँ, तो वो कहीं रहता है, हम कहीं रहते हैं। पुलिस वाले उससे बात करते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, ऐसे बोलते रहते हैं। और बोलवे के अलावा फिर कल मैं आया तो मैंने कहा, मैंने कि सर कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे 4 दिन हो गए, ना मुझे कोई FRI दे रहा है, ना कोई मेरा आवेदन पर कोई दस्तखत कर रहा है। तो बोले यहाँ पर आ जाती है धाकड़ दरोगा, बोले यहाँ पे आ जाती है और मुझसे ऐसे ही तेज आ भी मैं और बुरी बुरी गालियाँ पक के चल मेरे, मैं उस लड़का है फांसी लगा दूँ, जे लगा दूँ, बे लगा दूँ। तो मैं बोला कि सर ना तो फांसी लगाई जाती है और ना सो मारे जाता है, ये तो अपना मतलब इसलिए है कि मतलब सुरक्षा के लिए, और ना फांसी कोई नहीं लगाता। तो मेरे बाल पकड़ कर मेरे 2-3 गाल में दिया, तो एक मेरे यहाँ से ओंठ कट गया इतना, और इधर भी कट गया और इधर कान में से खून आ गया। ये किसने मारा? जे धाकड़ दरोगा ने मारा, बामुरकला के बड़े दरोगा ने। तो आप उस समय अकेले थे? तो उसी समय कौन 2-3 अकेले पुलिस वाले थे। आपके साथ कोई? मेरे साथ कोई नहीं था, ना अभी मेरे साथ मतलब अभी तक कोई आया था उसमें। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है सर मान लिया कुछ नहीं, फिर भी मैं बोला कि कुछ ना कुछ सर करो, तो फिर भी मुझसे ऐसे ही बोला। तो मैं चल गई आगे को, फिर शाम के टाइम तक बैठा कर रहा। फिर इसने दारू मंगाया, दारू मंगा कर मुझे गाड़ी में बैठा कर कहाँ लेगा, बामुरकला मंडी दाना मंडी है वहाँ पर दारू ऐसी एक बा में रखे पर्दे में गाड़ी में सुतार कर, और मेरी ऐसी 4-5 जन के सामने फ़ोटो ले गए, तो दारू के साथ फ़ोटो ले गए और मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लगा कि मैंने इसको ठोका पीटी कर दी। तो मतलब मैं इस पर इल्ज़ाम लगा कर इसको मैं दोनों मतलब 400 PC में फंसा दी। जे है मेरे साथ कल से। आज एसपी ऑफिस आए थे क्या? आज एफसी ऑफिस आया था तो मतलब मैडम जी ने सील लगा दी और एफसी सर ने, सर ने क्या बोला? थाना को मतलब बोल दिया कि महिला थाने में जाओ, तो महिला थाने का बोल दिया उन्होंने।